लीजिए, कुछ इस तरह से होती है। अगर जम्मू वालों ने या कश्मीर वाला कोई है। ओ वाओ क्या बात, अच्छे लगा हमारे माता खीर भवानी जो टीकरी पाता। देखो अरे भाई मेरी गोल, मेरी गोलू, अरे मुझकान मुझकान, खुले मैदान। ये देखो लड्डू को, ये क्या कर रहा है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस रतन जी एंड केतु जी। देख लीजिए इस समय हम कर रहे हैं कैंपिंग केरन वैली में, जो कि आपने हमारे लास्ट व्लॉग्स में देखी होगी, जो कि एकदम पाकिस्तान बॉर्डर एरिया पे है। और हमारी क्रेटा एक नंबर वन कैंपो वैन है जो यहाँ पर पहुंची और कैंपिंग की है हम लोगों ने यहाँ पे अपनी कार के साथ, क्योंकि हमारी कार में हमारा किचन है और ये प्यारे किसी टेंट के साथ हमने की कैंपिंग। तो जाने से पहले हम लोग यहाँ से हाथ ऐसे वेव अप कर रहे हैं और वहाँ से पाकिस्तानी देख लीजिए किस तरह से हमें इशारे करके जवाब दे रहे हैं। तो इन हसीन वादियों से जाने का समय आ चुका है और रास्ता था बहुत ही ज्यादा रिस्की और छोटा छोटा रास्ता। दो दिन हमने कैंपिंग की है केरन वैली में, आप हमारे लास्ट व्लॉग देख लीजिएगा तो आपको उससे मालूम चल जाएगा केरन वैली के बारे में सब कुछ, किस तरह से आना है, किस तरह से हम जा रहे हैं और किस तरह से हमने कैंपिंग की। तो कुछ इस तरह सा रास्ता तय करते हुए हम जा रहे हैं आगे की तरफ। तो अब हम जा रहे हैं श्रीनगर, तो देखिए इन हसीन वादियों से होते हुए निकल रहे हैं। तो एक्चुअली हम लोग केरन वैली से निकले थे कम से कम 2 बजे और हमें रास्ते में लग गई थी भूख, तो हमने डिसाइड किया था श्रीनगर जाकर ही कुछ खाएंगे, बट श्रीनगर पहुंचने में लगने वाला था बहुत ज़्यादा समय। तो हम ढूंढ रहे थे कोई प्यारी सी लोकेशन हमें मिल जाए और वहाँ रुक कर हम कुछ अच्छा सा बनाकर खाएं। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा हम जैसे नॉन ड्राइवर्स को क्या ही समझ में आएगा, प्रेशर टूट गया गाड़ी का, ये क्या हो गया, प्रेशर कम, देखो गाड़ी ऊपर नहीं चल रही है, रुक जाती है, देखो जो बोले सोने आल सर श्री अकाल वाहिगुरु का नाम लेके चलो। समझ नहीं आ रहा ऐसी एक तो एडवेंचरस रोड देख के डर लग रहा है, ऊपर से इनका प्रेशर गाड़ी का बंद हो जाता है, बार बार प्रेशर टूट जाता है। हिम्मत हार जाते चढ़ाई इतनी ना, जैसे भी गाड़ी थोड़ी भी रुकेगी ना बस निकलने मुश्किल है, टर्बो प्रेशर ही नहीं बना पाता। अचानक से गाड़ी के पास गाय आ गई थी, इनकी गाड़ी स्लो हुई तो बस प्रेशर इनका टूट गया, प्रेशर टूट गया। ये देखो झटके क्या, ओए मम्मी रास्ता रास्ता है, ओ शिट फिर से टूट गया प्रेशर। नहीं 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 यार नहीं से यहाँ पर नहीं, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, चढ़ाई पे प्रेशर नहीं टूटना चाहिए यार, गाड़ी सीधा पीछे। मैं तो आप लोगों को एक ही चीज यहाँ के रिकमेंड करूंगी, फुल ट्रेन जो ड्राइवर्स होते हैं ना जो पहाड़ी इलाकों पे, फोर गाड़ी जो, हाँ, दो पॉइंट प्लीज नोट रखिएगा, एक तो 4x4 गाड़ी होनी चाहिए, जो ट्रेन ड्राइवर्स हो वो ही यहाँ पर है जो पहाड़ों पे जिनको चलाने की आदत हो चुकी हो, एकदम से फर्स्ट टाइम यहाँ बिल्कुल मत आइए, क्योंकि बहुत ही बेकार गोल गोल एकदम से चढ़ाई एकदम से उतराई है। हाँ जी पलक जी क्या करने जा रहे हो फिर आप? देख लो एक और नई लोकेशन के साथ हम फिर से हाजिर है, हमें लगी थी भूख, हम नहीं कर रहे थे वापिस कुपवाड़े के साइड में, हाँ जी हम नहीं कर रहे थे वापिस कुपवाड़े के साइड में, लेकिन भूख लग के बीच में तो सोचा कि चलो कुछ बनाकर खा लिया जाए यहाँ, और नदी के बीचों बीच में आप बैठ गए, नदी के बीच बोला ना डिफरेंट लोकेशन लेकर आई हूँ आपके लिए, तो इतनी अच्छी जगह पे आज बनाने वाले, जल्दी जल्दी सोचा कि क्या बन सकता है, तो बनाएंगे वेज पुलाव यहाँ पर बना रहे हैं जल्दी जल्दी। तो देखो कितनी अच्छी लोकेशन है, इंस्टेंट गैस है, पूरा बर्नर वाला गैस हमने नहीं ओपन किया, इंस्टेंट गैस था तो सोचा इसका भी फायदा उठाया जाए, तो इस तरह से बनाते हैं। तो चलिए बताते हैं पूरी रेसिपी भी आपको, लोकेशन दिखा दो हमारा जीजा, ये देखो अपनी छुरियां चाकू लेके तैयार है फाइट करने के लिए। वाह यहाँ देखो भाई दे अपना कौन से स्टाइल में ये काट रहे भाई, छोटे क्यूब स्टाइल में काट रहे हैं, छोटे क्यूब स्टाइल में काट रहे हैं। नीचे क्या, नीचे क्या रखा हुआ है? हमने नीचे इधर से ही बनाया हुआ सिलवट्टा यूज किया। वाह क्या बात है, इसे कहते हैं कैंपिंग, जुगाड़मेंट होती है कैंपिंग है भाई। लड्डू डांस कर रहा है हमारा, देखो देखो जुगाड़मेंट होती है कैंपिंग, देखो भाई वाह क्या बात है, मजा आ गया, प्यारा लग रहा है इस तरह से देखो। हाँ देखो पूरा चॉपिंग बोर्ड बना दिया, चॉपिंग बोर्ड हमने इधर ही बना दिया है, क्या बात है। लड्डू ने फ्लावर तोड़ के दिखा रहा है हमें, राजू राजू राजू, राजू। थैंक यू। देखो भाई आलू हमारे कटिंग हो चुके हैं सलवट्टे पे, देखो भाई सलवट्टे पे प्याज भी कटिंग हो चुकी है, अब फिर से कटिंग करके दिखाते हैं, मैं शूट करना भूल गया, देखो कैसे काट रहे हैं,
मोटा 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 भाई, मोटा मोटा काटा, थोड़ा उसमें डालना ना, फिर मजा आएगा। छोटे छोटे बच्चे सब लग चुके अपना अपना घर बनाने के लिए, इनको अभी से हाँ घर बनाए। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी क्या कर रहे हो? सबसे पहले डाल लेते हैं इसमें जीरा। अच्छा जीरा डाल दिया भाई आपने। प्याज आपने डाल देंगे हमारे। प्याज, आलू, प्याज हमारा क्या तड़का लग रहा है। और हल्का सा नमक डाल दिया, अपने स्वाद अनुसार जितना आपको सही लगता है आप नमक डाल दो इसमें। अब क्या डालने जा रहे हो? अब हल्दी डाल दो। बड़े तगड़े तगड़े हो देखो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये फुलके बना लेती हूं मैं। हां सब्जी बन गई यार। अब तो थोड़ा फ्राई होने दो। क्या जबरदस्त पुलाव बन रहा है भाई। मजे आ गए, जबरदस्त पुलाव बना दिया आपने। हम थोड़ा कवर कर लेते हैं, हवा आ रही है। देखो जी कौन सी लोकेशन पर हम बैठ के, और हमारी यहाँ पर कुकर की सीटी बज रही है। आपकी सीटी बज रही है यहाँ पे। हमारा के बच्चे नेचुरल चीजें को एंजॉय कर रहे हैं, इतना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं ना इन्होंने, मतलब खुले मैदान। ये देख लो लड्डू को, ये क्या कर रहा है, ये देख लो। समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या करना चाहता है। लड्डू ये क्या करना चाहता है? भू के लिए सूप लेके आया। भू सूप आया? हाँ भू पानी बेचारे का, वहां पहुंचते पहुंचते सूप गिर जाता है। लड्डू हेलो, हेलो। हाँ राजू जी जा, बन गया हमारा पुलाव, फिर दिखा दो, दर्शन करवा दो, चेक करो। ओ वाओ क्या बात है, कितना जबरदस्त पुलाव बन चुका है हमारा। क्या बात है, मन्नत को क्या हुआ? मन्नत क्यों नाराज होगी हमारी? मन्नत पानी में जंप नहीं करना बेटा। वो देखो उधर से वो रोने लगे, कैरी मर के दही दे रहे, मैं दही खाऊंगी। इसको देखो, छोड़ो बस, सब बातें छोड़ो, उसके स्वाद लगाना देखो, उसके मजे देखो। वो देखो देखो, हाँ जी बेटा, ओ लड्डू भी दही खा रहे हो देखो। अरे भाई मेरी गोलू, अरे मुझकान मुझकान, दही खा रही हो? कैसे खा रही है दही? ओ मैं लड्डू भी दही खा रहा है। और इतना अच्छा पुलाव बना दिया, प्लेट में डाल दिया मन्नत की, वाओ। इस लोकेशन में बहुत मजा आया, बहुत हंस हंस के हम पागल हो गए। इस बार की हमारी आधी से ज्यादा वीडियोस तो म्यूटेड मोड में रहने वाली, क्योंकि ऐसी ऐसी मतलब बहुत सारी बातें होती है जो हम लोग इकट्ठे होते हैं तो कर लेते हैं। तो बच्चे देख लो जी, पीछे दोनों लेट चुके हैं अपने बेड पे, अब निकल रहे हैं आगे। निकल रहे हैं यहाँ से, सीधे श्रीनगर जाके रुकेंगे। इन हसीन वादियों से निकलने का और जाने का टाइम अब आ चुका है। आगे जाके श्रीनगर में डिसाइड करेंगे कि जम्मू के लिए हम आज रात को रातों रात निकलेंगे या फिर कल निकलते हैं। तो यहाँ के नजारे, जो इस तरह की टाइल्स आपको रोड पे दिखाई दे रही है ना, जब भी आपको ऐसी रोड पे दिखे तो समझ जाना कि यहाँ पर हैवी स्नो होती है, स्नो की वजह से ये टाइल्स डाली जाती है ताकि यहाँ पर गाड़ियाँ चल सके। लुक नहीं रहती यहाँ पे। तो देख लीजिए उस साइड पे धूप पड़ रही है, इस साइड के पहाड़ पे छाओ है, तो कुछ इस तरह का व्यू और हम निकल रहे हैं यहाँ से। सो जी कुपवाड़े जाते हुए आगे रास्ते में इतना प्यारा व्यू आया ना, जहाँ से पूरा कुपवाड़े एरिया दिखाई दे रहा था, तो एकदम ऐसा लग रहा था कि ऊपर हेवन में और वहाँ से पूरा एरिया कश्मीर का देख रहे हैं। इतनी प्यारी जगह थी। तो कश्मीर जा रहे थे जैसे हम श्रीनगर की तरफ, तो हमने सोचा कुपवाड़ा में है ये टीकरी माता का मंदिर, खीर भवानी के नाम से भी जान सकते हैं, टीकर माता। तो हम हमेशा जब भी यहाँ आते हैं इनका माथा टेक के ही जाते हैं, माता रानी का। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे अंदर, यहाँ माता रानी के माथा टेकते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं माता रानी के लिए। ये जो मंदिर है पूरा आर्मी के कंट्रोल में है, तो हमने यहाँ पर लगा दी अपनी गाड़ी पार्किंग में, और आधार कार्ड हमारे पास होना चाहिए जब भी हम इस मंदिर में जाएं। तो चलिए अंदर चलते हैं, बहुत ही प्यारा सजा हुआ है मंदिर, तो चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं प्यारे प्यारे मंदिर के।
मने लड्डू आ जाए इधर। पलक जी कैसा लगा आपके आके यहाँ पे? बहुत सुकून। पिछले साल आए थे, दो साल बाद फिर से आ रहे हैं हम माता रानी के। बहुत अच्छा लगा हमारे माता खीर भवानी जो टीकरी पाता जो है कपवाड़ा में, तो दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही प्यारा है, उनके भी देख सकते हैं। तो जी जब भी आप कुपवाड़ा आए तो जरूर आए यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए, बहुत ही मानी हुई जगह है। तो जी ये है बाहर का व्यू मंदिर का और यहाँ पे आपको रहने के कमरे भी मिल जाते हैं, तो बस आपके पास अपनी प्रूफ रहना चाहिए जैसे कि आधार कार्ड। बहुत ज़्यादा थक चुके थे तो आगे का ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए। आज सुबह है, फिर आए माता रानी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि निकल कर जा रहे हैं कुपवाड़ा से आगे की तरफ। देखते हैं आगे आगे कहाँ जाएंगे। चलिए एक बार फिर से आपको माता रानी के दर्शन करवा देते हैं हम लोग। दर्शन करते हैं पूरे कुंभ के दर्शन करवाते हैं आपको। तो जी सारे करिए माता रानी के दर्शन और जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा कमेंट में। चलिए दोस्तों अब निकल रहे हैं आगे टीकरी माता के दर्शन करके आगे जा रहे हैं। बहुत अच्छा और मन को शांति मिल गई है, तो अब चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कपवाड़ा सिटी जो है। ये देखिए कपवाड़ा मार्केट है। ये कपवाड़ा से होते हुए हम निकलेंगे श्रीनगर की तरफ और श्रीनगर जाके ही आगे अपने क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं है हमारा। तो लेट्स गो। यहाँ पर पहुंचे हैं, इसको बोलते हैं तिलवड़े यहाँ कश्मीर में। तो इस तरह से ये रोटी रहती है एक तिलवड़ा, तो इसके बीच में हमने ना इस तरह से कट करके इसमें डाली है बटर, क्योंकि हम लोग को लगी थी बहुत ज्यादा, वो भी एक घंटा लगेगा। तो इस तरह से ये खाते इतनी टेस्टी होती है ना, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट क्रंची टाइप की, देख लीजिए कुछ इस तरह से होती है। अगर जम्मू वालों ने या कश्मीर वाला कोई है हमें देख रहा तो मुझे बताइए कमेंट में आप लोग खाते हैं इसे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप मुझे ये भी बताइएगा कि आप हमारी कश्मीर सीरीज़ देख रहे हैं पूरी। अगर देख रहे हैं तो ज़रूर हर वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, जिन्होंने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके चेकआउट कीजिए। तो आज का वीडियो तो बहुत ही छोटा, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो आने वाला है बहुत ही प्यारा, वो इसमें डालकर मैं वो ख़राब नहीं करना चाहती थी, जिसमें दिखाने वाली हूँ बहुत ही प्यारी जगह कैंपिंग। वो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।